नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। पीजीआई में बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़ में लगी पैरों में गोली। अशरफ नगर बंगाली कॉलोनी थाना मंथरा व पीजीआई से लूट में था वंचित अच्छे नाथ बंगाली पुत्र दीप नाथ बंगाली और पुलिस में हुई मुठभेड़ में बाएं पैर में लगी गोली और उसके पास से एक पेंसिल प्रोमोटर साइकिल तथा तमंचा व जिंदा खोखा कारतूस बरामद। वहीं लखनऊ ईमानदार छवि वाले पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बदमाशों को घायल कर दबोचने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। सिराजुद्दीन के साथ लड्डन खान की खास रिपोर्ट। क्या घटना है? 2 तारीख को बंथरा और पीजीआई के बॉर्डर पर एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि बाइक और पर्स, बाइक और मोबाइल फोन कुछ छीने गए थे। तो एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बाइकों पर 4 बदमाश हैं, वो जा रहे हैं। तो क्राइम टीम और पीजीआई की टीम को लगाया गया था। चेकिंग करते समय जब काफ़ी तेज़ी से उतरटिया की तरफ से क्रॉसिंग की तरफ भी आ रहे थे, तो रोकने की कोशिश की गई तो और तेज़ी से दौड़ाने लगे। तो जो आगे वाली बाइक थी वो तेज़ी से निकल गई, लेकिन पीछे वाली बाइक का जब पुलिस पार्टी पीछा करने लगी तो उसने फायर कर दिया। तो हमारी जो पुलिस टीम है वो लगभग डिसबैलेंस हो गई, लेकिन सूचना देकर आगे फिर इनको चेज किया गया। तो ये राइट मोड, लेफ्ट मोड के फिर इस तरफ भागे और पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी, और पुलिस टीम ने फिर जवाबी फायरिंग की है। तो एक अक्षय के पैर पे जो है गोली लग गई है। अक्षय बंगाली टोला बंथरा थाने के रहने वाला है, और दूसरा एक भाग गया था झाड़ियों में, उसको फिर चेज करके पकड़ा गया। वो कुंवर है, एक अमोल गांव लगता है पीजीआई का, कल्ली पश्चिम क्षेत्र का, वो वहां का रहने वाला है। तो ये 2 लोग पकड़े गए हैं। इनकी बाइक जिस पर ये चल रहे थे ये वही बाइक है जो 2 तारीख की घटना में छीनी गई थी, और एक फोन जो बरामद हुआ है इनके पास से वो भी वो घटना से रिलेट कर गया है। जो आगे बाइक गई थी वो रेसर टाइप की बाइक थी, उस पर 2 लोग थे, तो उसके लिए अभी चेकिंग की है और नाके लगाए हैं।